वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी मैं आपको सुना देता हूँ जो कि इस वेब सीरीज से रिलेटेड रहने वाली है कि तुम मिली तो क्या मिली, मिलके बेवफा मिली, इतने तो मेरे गुनाह ना थे, उससे ज्यादा मुझे सजा मिली। तो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू सुरेंद्र टाटा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उल्लू ऐप की नेक्स्ट वेब सीरीज जिसका नाम है तंदूर के एपिसोड 3 का पूरा स्टोरी लाइन एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा जो कि साहिल शर्मा होता है जो कि भाई अब पूरी तरह बेंगलोर जाके चला जाता है और वहाँ पे होटल में जो रेस्ट करता रहता है, लेकिन यार वो अपने बात में नाता रहता है जहाँ पे उसको पलक शर्मा की काफी ज्यादा याद आती है। मतलब यार बैकवर्ड की जो यादें तो आदमी को सताती है, मतलब बंदा कहाँ भी चल जाए लेकिन यादें कभी भी नहीं भूल सकता। तो मतलब यार अब वो वहाँ पे नहाता रहता है, ड्रिंक करता रहता है और वहाँ पे भाई पलक शर्मा उनके साथ जो शरारतें करती हैं वो सब कुछ चीजें अब हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में हमको दिखाया जाता है कि उनके रूम में बार बार कॉल्स आते हैं टेलीफोन के, लेकिन भाई बंदा यहाँ पे अटेंड नहीं करता, एक दो कॉल अटेंड करता है ओनली फॉर वो अपनी जो है ड्रिंक मंगाने के लिए। तो मतलब यार अब इसमें दिखाया जाता है कि साहिल शर्मा के क्लाइंट या फिर साहिल शर्मा के वकील का कंटिन्यू इनके पास फोन आता रहता है, लेकिन भाई साहिल शर्मा इनका फोन अटेंड नहीं करते, मतलब एकदम परेशान सा हो जाता है और भाई काफी ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है। उसके बाद में हमको दिखाया जाता है कि साहिल शर्मा को वो बैकवर्ड की अपनी यादें आती है, मतलब तू हम सफर जो आपको सॉन्ग देखने को मिलेगा वो भाई एपिसोड 3 में आपको वो सॉन्ग देखने को मिलेगा। उनके खत्म हो जाने के बाद में अब हमको दिखाया जाता है जो कि दिल्ली पुलिस होती है, तो दिल्ली पुलिस को भाई दिल्ली के विधायक वहां पे पैसे देते हैं, क्योंकि वो पैसे इसलिए देते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस के साहिल शर्मा हाथ नहीं आना चाहिए और तुम ये पैसे रख लो। मतलब यार अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो वहाँ पे ओनली फॉर एक बड़ा ऑफिसर होता है, वो तो भाई बेंगलोर के लिए निकल चुका होता है उसके साथ उसके जो भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसके जो सीए की बात करें जो कि जो पुलिस थाना में होता है तो भाई वो रिश्वत ले लेता है उनके विधायकों के लिए कि भाई साहिल शर्मा तुम्हारे यहाँ पे दिल्ली पुलिस के कभी भी हाथ नहीं आएगा। और इन सब चीजों का पता भाई उसके हेड को जो है उनके हेड ऑफिसर होता है पुलिस वाला उनको पता होता है, लेकिन भाई वो अभी तक इन चीजों का रिवील बिल्कुल भी नहीं करते। ये सब कुछ चीजें होने के बाद में अब हमको इसमें दिखाया जाता है कि जो साहिल शर्मा बेंगलोर अपनी पलक शर्मा के बलिदान के लिए भाई पूरी तरह जो अपने बाल वाल मुड़ा के अब अगली प्रोसेस करता है और फाइनली जब वो अपने होटल में जाता है रेस्ट करता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद में उसको वापस कॉल आता है उसका क्लाइंट का, वो कॉल उसका वकील का होता है। वकील भाई जैसे ही उसको बोलता है कि तुम्हारी बेल है जो कैंसिल हो चुकी है, फटाफट से बेंगलोर कोर्ट पहुंचना है, जब तक मतलब दिल्ली पुलिस वहां पे नहीं पहुंचे उससे पहले तुमको वहां पे पहुंचना है और अपनी बेल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे वेरीफाई कराने होंगे। तो भाई साहिल शर्मा इतनी सी खबर सुन के वहां से फटाफट निकलता है जल्दी बेंगलोर कोर्ट के लिए। तो मतलब अब आपको कहानी में सस्पेंस ही सस्पेंस देखने को मिलेगा। अगर हम बेंगलोर कोर्ट की बात करें तो वहां पे बाहर भाई चाय वाला जो कि दिल्ली पुलिस का आदमी होता है, अगर हम झाड़ू वाले की बात करें वो भी दिल्ली पुलिस का आदमी होता है और भाई उनके दोनों के बड़े ऑफिसर होता है वो भी कुछ ऊपर है सिर के ऊपर बांध के, मतलब भाई उन बंदे को देखोगे तो एकदम आप यूं ही मतलब पहचान नहीं सकते कि ये पुलिस वाले हैं या नॉर्मल बंदे हो। साहिल शर्मा तो यही चाहेगा कि उसकी बेल है जो कैंसिल नहीं हो, उसकी बेल जो रियायत मिल जाए, लेकिन भाई वो जैसे ही कोर्ट पहुंचता है तो वहां पे उनसे पहले दिल्ली पुलिस वहां पे ऑलरेडी होती है और कोर्ट में जाने से पहले दिल्ली पुलिस बीच में पकड़ के भाई उसको दिल्ली लेके आती है। तो हमको एपिसोड 4 में देखने को मिलेगा कि भाई साहिल शर्मा अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है पुलिस वालों के साथ कि मैंने फाइनली अपनी कॉलेज लाइफ में किस तरह पलक को अपनी लाइफ में एंटर किया और किस तरह मेरिट की और मतलब इन्होंने जो जो कॉलेज में जो टाइम स्पेंड किया या फिर अगर इनके लाइफ में क्या क्या चीजें होने वाली होती है कुछ चीजें एपिसोड 4 में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काफी सस्पेंस भरी भाई पूरी वेब सीरीज मैंने ये देख ली, मतलब एपिसोड 3 में हमको इंटरेस्ट आया देखने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें इस सीरीज के हाईलाइट की तो एपिसोड 4 में हमको काफी इंटरेस्टिंग ऐसी चीजें देखने मिलेगी। मतलब यार इतनी कहानी को घुमा फिरा कर दिखाने वाली वेब सीरीज तंदूर वेब सीरीज के अलावा मैंने आज तक कोई भी ऐसी वेब सीरीज नहीं देखी जिसमें भाई इतने सस्पेंस भरे हुए हैं। काफी इंटरेस्टिंग पूरी वेब सीरीज रहने वाले एपिसोड 3 की मैं फुल स्टोरी लाइन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो चले गए तो यार वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वेब सीरीज से रिलेटेड सबसे पहले सबसेट के काफी अलग कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इस वेब सीरीज से रिलेटेड है किसी भी वेब सीरीज से रिलेटेड आप जो भी पूछना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर देना, वहां पे आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।